128वां अध्याय द्वादशी तिथि के व्रत। अग्निदेव कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, मैं भोग एवं मोक्षप्रद द्वादशी संबंधी व्रत कहता हूँ। द्वादशी तिथि को मनुष्य रात्रि को एक समय भोजन करे और किसी से कुछ नहीं मांगे। उपवास करके भी भिक्षा ग्रहण करने वाले मनुष्य का द्वादशी व्रत सफल नहीं हो सकता। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मदन द्वादशी का व्रत करने वाला भोग और मोक्ष की इच्छा से कामदेव रूपी श्रीहरि का अर्चन करे। माघ के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भीम द्वादशी का व्रत करना चाहिए और नमो नारायण मंत्र से श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में गोविंद द्वादशी का व्रत होता है। आश्विन में विशोक द्वादशी का व्रत करने वाले को श्रीहरि का पूजन करना चाहिए। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्री कृष्ण का पूजन करके जो मनुष्य लवण का दान करता है वह संपूर्ण रसों के दान का फल प्राप्त करता है। भद्रपद में गोवत्स द्वादशी का व्रत करने वाला गोवत्स का पूजन करे। माघ मास के व्यतीत हो जाने पर फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को जो श्रवण नक्षत्र से युक्त हो उसे तिल द्वादशी कहा गया है। इस दिन तिलों से ही स्नान और होम करना चाहिए तथा तिल के लड्डुओं का भोग करना लगाना चाहिए। मंदिर में तिल के तेल से युक्त दीपक समर्पित करना चाहिए तथा पितरों को तिलांजलि देना चाहिए। ब्राह्मणों को तिल दान करे। होम और उपवास से ही तिल द्वादशी का फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उपयुक्त विधि से 6 बार तिल द्वादशी का व्रत करने वाला कुल सहित स्वर को प्राप्त करता है। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में मनोरथ द्वादशी का व्रत करने वाला श्रीहरि का पूजन करे। इस दिन नाम द्वादशी का व्रत करने वाला केशव आदि नामों से श्रीहरि का एक वर्ष तक पूजन करे। यह मनुष्य मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में ही जाता है। वह कभी नरकगामी नहीं हो सकता। फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में सुमति द्वादशी का व्रत करके विष्णु का पूजन करे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में अनंत द्वादशी का व्रत करे। माघ के शुक्ल पक्ष में आश्लेषा अथवा मूल नक्षत्र से युक्त तिल द्वादशी करने वाला मनुष्य कृष्णाय नमः मंत्र से श्री कृष्ण का पूजन करे और तिल का होम करे। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में सुगति द्वादशी का व्रत करने वाला जय कृष्ण नमस्तुभ्यम मंत्र से एक वर्ष तक श्री कृष्ण की पूजा करे। ऐसा करने से मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है। पौष के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को संपाति द्वादशी का व्रत करे। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में द्वादशी के व्रतों का वर्णन नामक 128वां अध्याय पूरा हुआ।